जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंज बासुदा के राजपूत समाज में आक्रोश है। कन्या सेना और राजपूत समाज हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर एनकाउंटर करने की मांग की है। कड़नी सेना सहित सर्व समाज के लोगों ने जयस्तंभ चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जयपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े दोपहर में दो हमलावरों ने धोखे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से देश में राजपूत समाज सहित हिंदू संगठनों में आक्रोश है। गोगामेड़ी सदैव सर्व समाज के हकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनकी इस तरह निर्मम हत्या राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लिए पीड़ादायक है। हम मांग करते हैं कि उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनका एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो राजपूत समाज और हिंदू संगठन उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। इसके बाद हम प्रदेश की कार्यकारिणी के संग बैठक करेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बैठक का क्या होगा और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज के लोग तय करेंगे उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन समाज के बीच में क्षत्रिय ने स्वर्गीय सुखदेव जी गोगामणि जी की जो निर्मम हत्या का आप सबके बीच में विषय आया है, ये अकेले राजपूत समाज की क्षति नहीं है, ये हिंदू समाज की क्षति है। आपने देखा होगा उन्हें सतत पूरे राष्ट्र को जोड़ने का कार्य किया है। हर वर्ग, हर धर्म संप्रदाय जो हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबके लिए क्षत्रिय हमेशा खड़े रहे हैं। ऐसे में हिंदू की अखंडता और हिंदू की एकता को तोड़ने के जो प्रयास हमारे देश में की जा रहे हैं, उसकी एक शुरुआत है। और अगर ऐसे एक एक ईंट को हटाया गया तो निश्चित ही देश का विखंडन तय है। तो ऐसे प्रयास करने वालों को, कुचक्र करने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन को एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए, किसी स्तर पर बख्शना नहीं चाहिए। इसी को लेकर के पूरे देश में हमने ज्ञापन का कार्य किया है। आज ये ज्ञापन स्तंभ चौक पर हम सारे क्षत्रिय समाज, हिंदू संगठन के लोग, लिप्त समाज के लोग, अन्य सभी समाजों के लोग यहाँ एकत्र होकर ये करणी सेना की पूरी साथ खड़े हुए हैं और इस ज्ञापन को दे रहे हैं। इस ज्ञापन में पूरा उल्लेख किया गया है कि हमारी गतिविधि क्या होगी। अगले तीन समय में कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे देश में एक उग्र आंदोलन के रूप में विषय आ सकता है। हमारा प्रशासन से आग्रह है, महामहिम जी के द्वारा एसडीपी जी के लिए हमने ये महामहिम जी के लिए एसडीपी जी के द्वारा एक ज्ञापन दिया है, ये आपके समक्ष आप लोगों को उपलब्ध भी होगा। आप सबसे, सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा आग्रह है, इस विषय को बड़ी तीव्रता से और बड़े स्तर पर सामने लाएं। समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग इसका विरोध करें और सब समाज मिलकर के इसको आगे रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।